गैंग वॉर का सिलसिला पंजाब में भी जारी है, जहां की जेल में बंद सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के दो आरोपी जेल के भीतर हुई एक खूनी झड़प में मारे गए, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। लेकिन जेल के भीतर की इस गैंग वॉर ने सभी को उस वक्त बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया जब उसका सच सोशल मीडिया के जरिए सामने आया। सच ये है कि यह गैंग वॉर भी सात समंदर पार गोल्डी बराड़ के इशारे पर हुआ था। पंजाब की जेल में गैंग वॉर, खूनी संघर्ष में दो गैंगस्टरों की मौत। गोल्डी बराड़ ने कराया जेल में गैंग वॉर। पंजाब की इसी गोइंदवाल जेल के फाटक के बाहर निकली एक खबर ने समूचे पंजाब पुलिस को झकझोर कर रख दिया। इसी जेल के अंदर एक गैंग वॉर हुई और इस गैंग वॉर में दो गैंगस्टरों की मौत। जेल में हुई गैंग वॉर में जिन दो गैंगस्टरों की मौत की खबर सामने आई, वो दोनों ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के सिलसिले में जेल में बंद थे। गैंगस्टरों में एक की पहचान मनदीप तूफान और दूसरे की मनमोहन मोना के तौर पर हुई है। ये दोनों ही गैंगस्टर पंजाब के बेहद खतरनाक गैंग जग्गू भगवानपुरिया के शार्प शूटर बताए जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड के बाद से बना हुआ तनाव पंजाब में अभी भी बरकरार है और पंजाब की जेलों से इसकी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ताजा मामले में तरन तारण की जेल में जो गैंगवार हुई है उसका इशारा तो कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने दिया था, लेकिन असली जामा पंजाब के गैंगस्टर्स ने ही इसको पहनाया है। दो लोगों की मौत भी हो चुकी है, लिहाजा ताजा इनपुट के आधार पर पंजाब की जेलों में बड़े गैंगस्टर्स और गैंग्स को अलग अलग करने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जेल में ही थाली और प्लेटों को काटकर तेज धारदार हथियार बनाए गए थे, जिससे बदमाशों ने एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला किया और बदमाशों के सिर पर धारदार हथियार की चोट के निशान पाए गए। जो क्लैश हुआ है वो सिद्धू मूसेवाले के केस में, मतलब अंदर जेल में बंद थे। अभी हमें इन्फॉर्मेशन आएगी वहां से, फिर दैट वी कैन एक्सप्लेन। इस गैंगवार में जो तीसरा गैंगस्टर घायल बताया जा रहा है उसका नाम केशव है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात के मुंद्रा इलाके से गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड माने जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग में फूट पड़ चुकी है और इसी फूट का नतीजा है पंजाब के तरन तारण जेल में हुई गैंगवार। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार एक साथ हैं, जबकि कभी लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास माने जाने वाला पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया अब लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन बब्बीहा गैंग से जुड़ चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में और गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। ये खुलासा अपने आप में चौंकाने वाला है कि जेल में इस गैंगवार के पीछे सात समंदर पार बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का हाथ है। खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की गैंग में अब फूट पड़ गई है और गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया में अपनी इस पोस्ट में इस वजह का जिक्र भी किया है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने ही इस गैंगवार की आड़ में जग्गू भगवानपुरिया के दो शार्प शूटर्स को मौत के घाट उतार दिया। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग मानता है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद जिस तरह से उसके शूटरों को पुलिस ने घूम घूम कर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से पकड़ा, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी बकायदा मुखबिरी हुई और ये मुखबिरी का शक जग्गू भगवानपुरिया के शूटरों पर है। मोहाली से सतीन चौहान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।